सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि आपके पास हमेशा घटती रहती है। तो दोस्तों वो सोल्यूशन क्या है आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। अब बात करते हैं दोस्तों ये टिप्स और इन्फॉर्मेशन इस सोल्यूशन क्या है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अगर आपके पास कम स्टोरेज वाला सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो दोस्तों आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने में। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास इतने एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है, और हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों उन सभी को ना आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा ना, आपको अगर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तो दोस्तों आपको करना क्या है, पुराना एप्लीकेशन तो आपको पहले डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सेटिंग ऑप्शन पर चले जाइए। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर ढूंढना है, जो कि मेरा MI का फ़ोन है तो शायद एडिशनल सेटिंग के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टोरेज का ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, तो देखते हैं यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन कहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ़ोन्स पे ना एडिशनल सेटिंग के अंदर रहते हैं और कोई कोई बाहर ही रहता है, ठीक है। तो मेरा तो बाहर ही है, तो स्टोरेज पे टैप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ना इस प्रकार का आपको जो है इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी स्टोरेज है यहाँ पर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ना इस वीडियो में मैं आपको दो टिप्स देने वाला हूँ, जहाँ से आपका जितना भी डाटा है उसको जो है क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपका फोन स्टोरेज क्लियर कर सकते हो और उसको सफिशिएंट स्पेस बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कैलकुलेट हो जाता है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो है कैची डाटा 1.49 GB, यानी कि 1 GB से भी ज़्यादा जो है कैची डाटा स्टोरेज है। तो इसको हमको क्या करना है, क्लियर कर देना है। जैसे आप इसको क्लियर करते हो ना, तो क्लियर करने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस जो डाटा स्टोरेज दिख रहा है आपको, ये थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 29.25 है, तो देखते हैं इसको क्लियर कैची करते हैं, कैची डाटा करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ का जो स्टोरेज वो ज़्यादा होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों कुछ टाइम लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड रहता है इसमें, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल जो स्टोरेज है 30.65 GB हो चुका है, ठीक है। 30 GB 1 GB बढ़ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ना आप अपने स्टोरेज बढ़ा सकते हो, यानी कि जितने भी कैची डाटा है ना उसको आप वहाँ से आराम से क्लियर कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी टिप्स की ओर, जहाँ से आप जो है बहुत ही आसानी से अनवांटेड फाइल्स को जो है डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा ना, आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है, गूगल फाइल। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है गूगल का एप्लीकेशन है, तो जैसे इसको आप इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको ओपन कर लेना है और इसको कुछ परमिशन दे देनी है, ठीक है। परमिशन देने के बाद आपका जितने भी डाटा है ना, जंक फाइल है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसको कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर बस उन्हीं पिक्स को, उन्हीं अनवांटेड फाइल्स को दिखाएगा जो कि आप अपने गैलरी पे नहीं देख पाएंगे। तो आप देख सकते हो जो आपको 230 MB जो है ऐसे बेकार का जो है आपको यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लियर कर देते हो, फिर से 1 GB वहाँ से बढ़ा था कैची डाटा से, वहाँ से यहाँ से लगभग 235 MB बढ़ चुका है। तो दोस्तों इतना बढ़ा दोगे ना, तो आपको आपके इंपॉर्टेंट जो वो है एप्लीकेशन है उसको आप आसानी से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसी प्रकार से टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आपको ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो अब मिलने वाली है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।